हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी का आठवां चैप्टर मिजविल द ऑटर। ऑटर एक जानवर है, छोटा सा जानवर है। जैसे अगर आपने कभी नेवला देखा हो, है ना, गांव में होता है ना, ब्राउन कलर का सा नेवला होता है, ठीक है ना, तो उस नेवले से थोड़ा सा बड़ा समझ लो आप इसको, है ना। तो ये क्या है, ऑटर। ऑटर क्या है, एक जीव है, ठीक है ना। उसका लेखक ने नाम रख दिया मिजविल, है ना। अब ये लेखक हैं गैविन मैक्सवेल। अब ये जैसा कि आपको पता है बच्चों कि जो पैट होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, है ना, जैसे लोग ज्यादातर घरों में क्या रखते हैं, है ना, डॉग रखते हैं, है ना, पैट डॉग होता है उनका, ठीक है। और कई दूसरे देशों में बिल्लियां भी पालते हैं, है ना, हमारे यहाँ भारत में कई लोग तोता पालते हैं, ठीक है ना। ऐसे पालतू जानवर हम लोग रखते हैं, पैट्स हम लोग रखते हैं। पहले मैं सोचता था कि पैट्स की आवश्यकता क्या होती है ना, लेकिन जिन घरों में पैट होते हैं उन घरों में वो जो पालतू जानवर हैं वो उनके घर का एक बहुत बड़ा अभिन्न हिस्सा होते हैं, है ना। वो एक तरह से उनका फैमिली मेंबर जैसा हो जाता है। पहले मेरी धारणा इस तरह से थी कि ये लोग फालतू में, हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है ना, यहाँ पैट्स पालने की क्या जरूरत है ना, लोगों से ही प्रेम कर लो, इतने सारे लोग हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है ना। फिर एक बार मैंने एक कहानी पढ़ी, है ना, उसमें एक आर्मी के अंदर एक कोई बहुत बड़े ऑफिसर थे, वो किसी युद्ध में घायल हो गए थे और उनकी पूरी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो डैमेज हो गई थी, है ना। उन्होंने अपना एक तरह से पूरा जीवन की आशा ही सबने मना कर दिया था, भाई ये अब ये जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन उनका एक पैट डॉग था, उस डॉग ने इतना धैर्य से और मतलब इतना शानदार तरीके से उनकी सेवा की, उन जो अपने मालिक था, कि उसको उन्होंने उस डॉग ने उनको क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया, नहीं तो उनके बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे ना। तो उस दिन से मेरी धारणा बदल गई कि भाई जो लोग पैट्स रखते हैं उनके महत्व को वही समझ सकते हैं, जिनके घरों में पैट्स नहीं होते उनको उनका महत्व पता नहीं होता, है ना। तो ऐसे ही इसमें जो है ना, ये लेखक बता रहे हैं कि मिजविल द ऑटर। तो ये ऑटर क्या है, ये एक जीव है, मैंने बताया ना आपको, जैसे कि क्या होता है, नेवला होता है ना, उस तरह से। मैं अभी आपको ये ऑटर दिखाता हूँ कि ऑटर वैसे आपकी चित्र में भी है, देखो ये रहा, यस बुक के अंदर है, ये देखो आप, ये ऑटर है ना, जैसे नेवला होता है ना, उसी तरह का ये एक जानवर है, नेवला से थोड़ा सा बड़ा मान लो आप इसको, ठीक है ना। ये ऑटर है और ये लेखक जो हैं ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, है ना, गेविन मैक्सवेल, यूके, है ना, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। और ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, स्कॉटलैंड, है ना। गेविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन कैम्सफर्ना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड कहाँ है, ये इंग्लैंड जो है, ग्रेट ब्रिटेन जो है, यूके, है ना, उसी का ही पार्ट है ये, है ना। तो उसकी वेस्ट हाईलैंड्स यानी पश्चिम दिशा में जो ऊंचा क्षेत्र है स्कॉटलैंड का, वहाँ पे एक समुद्र के किनारे, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड जो है ये इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र है ना। तो स्कॉटलैंड में एक जगह है जिसका नाम क्या है, कैम्सफर्ना है, वहाँ के ये लेखक रहने वाले हैं। तो अभी मैं आपको देखो इस पे मैप पे स्कॉटलैंड दिखाता हूँ, देखो बच्चों ये स्कॉटलैंड है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, ये स्कॉटलैंड है। देखो अभी मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको स्केल को, है ना। तो देखो ये यूके आ गया, है ना, यूके। तो यहाँ पे था ना वो स्कॉटलैंड, इस जगह था यूके, ये जर्मनी, फ्रांस, है ना, इंग्लैंड है। फिर देखो ये अफ्रीका है ना, फिर ये यूनान, टर्की, इराक, ईरान, और देखो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये हमारा इंडिया। देखो मैं और छोटा करता हूँ इसको, है ना। तो देखो ये इंडिया हो गया, फिर ये पाकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, और फिर ये यूरोप है, और फिर ये यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको बोलते हैं हम, है ना। और इस यूके के अंदर ही ये स्कॉटलैंड है ना। देखो ये स्कॉटलैंड ये आ गया, है ना। तो ये एरिया जो है ये स्कॉटलैंड का है, इस स्कॉटलैंड में ही, यहाँ देखो इस जगह पे ये कैम्सफर्ना है, ये है ना, इस जगह पे यहाँ ये एक कैम्सफर्ना है, जो कि बिल्कुल क्या है,
समुद्र है ना, जैसे देखो ये बिल्कुल बीच बीच में पानी 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 इस तरह से आपको सारा सब कुछ ये दिखाई दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये लेखक कहाँ के रहने वाले हैं? गैविन मैक्सवेल लिव्स इन कॉटेज, एक कॉटेज में रहते हैं। कॉटेज मतलब एक घर मान लो आप, है ना, कैम्सफर्ना के अंदर, कैम्सफर्ना। और वो कैम्सफर्ना है कहाँ है? वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के अंदर जो पश्चिमी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, है ना, जब लेखक का जो डॉग था जॉनी वोक्स की मृत्यु हो गई, मैक्सवेल वाज टू सैड, बहुत दुखी हो गए वो, टू थिंक ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन, और वो अब आगे डॉग पैट रखने की सोच भी नहीं रहे थे। आगे से वो पैट के बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे थे भाई, क्योंकि जब पैट की मृत्यु हो जाती है तो बहुत दुख होता है। तो उन्होंने मन बनाया कि अब आगे से मैं कभी पैट नहीं पालूंगा। बट लाइफ विदाउट ए पैट वॉज लोनली, लेकिन बिना पैट के, अब मैं पैट को पैट ही बोलूंगा, है ना, पैट यानी पालतू जानवर, बिना पालतू जानवर के जीवन अकेला था। रीड वॉट हैपन्ड देन, आओ पढ़ते हैं फिर क्या हुआ, इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स, मैक्सवेल के खुद के शब्दों में, ना। तो मिसविल द ऑटर, देखो इसके अंदर बच्चों फोर चार पार्ट हैं, तो हम दो पार्ट एक वीडियो में करेंगे और दो पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। तो अपन इसमें फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू सदर्न इराक, है ना। अब ये जो लेखक हैं गेविन मैक्सवेल, ये नए वर्ष 1956 की, जो नई वर्ष की शुरुआत में ही, है ना, जनवरी के महीने में, ऐसे समझ लो आप, इन्होंने यात्रा की दक्षिण इराक की। देखो अभी मैंने आपको दिखाया था ना इराक, ईरान, है ना, इराक तो क्या है ये, इराक तो अपने एशिया का ही है ना, ये देखो ये रहा इराक, है ना, ये रहा देखो इराक, है ना, ये इराक IRAQ, है ना। और ये कहाँ है, ये इंडिया के पास में है, देखो ये हमारा भारत है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और ये इराक, ठीक है ना, ये टर्की, ठीक है। तो 1956 के शुरुआती जो वर्ष था उसके शुरुआती समय में उन्हें दक्षिण इराक जाना पड़ा लेखक को किसी काम से। बाई देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, क्रॉस्ड माई माइंड मतलब दिमाग में आना कोई चीज, है ना, उस समय मेरे दिमाग में आई, लेखक कह रहे हैं, दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग, कि बजाय मुझे डॉग के ऑटर पालना चाहिए। एंड दैट कैम्सफरना, और बात ये थी कि जहाँ पे ये लेखक रहते थे कैम्सफरना में, रिंग्ड बाई वाटर ए स्टोन्स थ्रो, वो चारों ओर से घिरा हुआ था, कैम्सफरना जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ था पानी से, एट ए स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत ही कम दूरी पर, है ना, जैसे कि पत्थर फेंक दें बस इतनी सी दूरी, तो पत्थर कितना सा फेंक पाओगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर 200 मीटर फेंक पाओगे, ठीक है ना। तो इतनी दूरी पर ही क्या है, समुद्र वहां पर नजर आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो मैं अभी आपको कैम्सफरना दिखाता हूँ, CAMUSFERNA, कैम्सफरना, ये भी इंग्लैंड के अंदर ही है कैम्सफरना। एक सेकंड बच्चों, है ना, CAMUS, ये रहा कैम्सफरना, स्कॉटलैंड, है ना। अब आ जाएगा, तो ये इसका मैप देख लेते हैं हम कैम्सफरना का। देखो ये है ना, ये यहाँ पर दिखा रखा है ना, ये रेड रेड जो साइन आ रहा है ये, है ना, देखो। तो ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये पानी है ना। अब देखो आप, ये इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड का ऊपरी हिस्सा है कैम्सफरना, स्कॉट आगे देख लो, ये यूनाइटेड किंगडम है ना, और ये स्कॉटलैंड हो गया, और यहाँ पे ये कैम्सफरना, ये जो रेड दिखा रखा है ना, देखो इसमें क्या है, आप ये मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो पानी पानी है। तो देखो ये बिल्कुल कोने पे है ना, कैम्सफरना यहाँ है, तो इसके चारों इधर पानी है, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी,
सब तरफ क्या है, पानी पानी है। तो इतनी कम दूरी पे पानी है, जैसे कि माना आपने पत्थर फेंका तो बस इतनी दूरी पे जाके समुद्र आपको मिल जाएगा, इस तरह से है ये। रिंग्ड बाय वाटर स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो लेखक ने सोचा कि चूंकि केमिसफर्ना में रहता हूँ मैं, तो ये पानी यहाँ पे खूब सारा है ना, तो ये एक तरह से ये ऑर्डर को रखने का, प्रयोग करने के लिए अच्छी सूटेबल जगह होगी। When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने यूं ही अपने एक फ्रेंड से इसके बारे में बातचीत करी कि मैं ऑटर रखना चाहता हूँ पालतू जानवर के रूप में, he as casually replied, तो उसने भी बस यूं ही जवाब दे दिया that I had better get one in the Tigris marshes, कि मुझे टिग्रिस मार्सेज में ये बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे। टिग्रिस क्या है, इराक के अंदर एक नदी है ना, और उसका जो दलदली हिस्सा है ना, वहाँ पे ये खूब सारे मिलते हैं ऑटर जो होते हैं। तो उस मेरा जो फ्रेंड था, लेखक कह रहे हैं, उसने भी बस यूं ही कैजुअली कह दिया कि आपको टिग्रिस नदी के जो नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको ये खूब सारे मिल जाएंगे। फॉर देयर, क्योंकि वहाँ पर देवर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, कि जिस तरह से मच्छर कॉमन होते हैं ना, उस तरह से वहाँ पे ये ऑटर कॉमन हैं, खूब बहुतायत में पाए जाते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और अरब लोगों द्वारा इन्हें पाला भी जाता है। टेम यानी पालना, ये इन्हें पाला भी जाता है ऑटर्स को। वी वर गोइंग टू बसरा टू कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप, है ना। अब लेखक और उसके जो फ्रेंड हैं, ये इराक के अंदर एक शहर है जिसका नाम है बसरा, वहां जा रहे थे, और कॉन्सुलेट जनरल एक ऑफिस होता है, जैसे दूतावास होता है ना, जैसे जो राजदूत होते हैं दूसरे देशों के, है ना, वो वहाँ पे उस ऑफिस में बैठते हैं। तो वहाँ पे इनको जाना था इराक के बसरा शहर में, किसके लिए, यूरोप से, क्योंकि स्कॉटलैंड से या इंग्लैंड से इनका क्या आना था, एक मेल आना था। उस जमाने में देखो बच्चों, ये वैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं हुआ करते थे, ईमेल वगैरह नहीं हुआ करते थे, उस तरह में तार वगैरह उस तरह की चीज़ें हुआ करती, टेलीग्राम वगैरह होते थे, उसको कलेक्ट करने के लिए और उस टेलीग्राम का आंसर देने के लिए उन्हें कहाँ जाना था, लेखक को और उसके फ्रेंड को बसरा जाना था। एट दी कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड, और जब वो वहाँ पहुँचे, कॉन्सुलेट जनरल जब वो पहुँचे तो उन्होंने पाया कि दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, कि मेरे जो दोस्त था उसकी डाक तो आ गई थी, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरी डाक नहीं आई थी। आई केबल टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड में केबल किया, केबल का मतलब होता है सेंट ए मैसेज बाई टेलीग्राफ, टेलीग्राफ के द्वारा मैंने एक मैसेज भेजा। एंड वेन थ्री डेज लेटर, और जब 3 दिन बाद नथिंग हैड हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, कोई जवाब उसका नहीं आया, आई ट्राई टू टेलीफोन, तो मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुकड 24 आवर्स इन एडवांस, क्योंकि उस जमाने में 1956 की बात है, उस जमाने में आज की तरह मोबाइल नहीं हुआ करते थे, है ना, तो 24 आवर एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती थी, कॉल बुक कराना पड़ता था टेलीफोन कार्ड, उन टेलीफोन डिपार्टमेंट में जाके। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, है ना, लाइन खराब थी टेलीफोन की। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस होलीडे, और अगला दिन क्या था, पहले दिन तो लेखक ने 24 घंटे पहले तो अपना कॉल बुक कराया, फिर जिस दिन उसका नंबर आया उस दिन लाइन खराब थी टेलीफोन की। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन उनका जो टेलीफोन जो एक्सचेंज था, है ना, टेलीफोन एक्सचेंज क्या था, बंद था, क्योंकि क्या था, कोई रिलीजियस होलीडे था, कोई रिलीजियस होलीडे था। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन जाके, है ना, और तीसरे दिन जाके, ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनोदर ब्रेकडाउन, फिर दोबारा से कुछ ब्रेकडाउन हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ मशीन वगैरह खराब हो गई, ऐसे कुछ भी समझ लो। माई फ्रेंड लेफ्ट, तो मेरा दोस्त जो है वो चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैंने कहा कि हम लगभग एक वीक बाद में दोबारा मिलेंगे। 5 days later, 5 दिन बाद माई मेल अराइव, मेरी जो डाक थी वो आई, 5 दिन बाद लेखक की डाक आई। I carried it to my bedroom to read. मैं उसे अपने बेडरूम में ले गया पढ़ने के लिए। बेडरूम कहाँ का था ये जो कॉन्सुलेट जनरल जो ऑफिस था, है ना, जो दूतावास था इराक के अंदर बसरा में, किन का था वो, इंग्लैंड वालों का था, तो उनका जो ऑफिस था वहाँ पे इनके ठहरने के स्थान भी होते हैं, ठीक है ना, तो उस बेड उन वहाँ पर रूम ले लिया था इन्होंने, तो उसमें जब वो पढ़ने के लिए गया लेखक, एंड देयर, तो वहाँ पर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर,
फर्श पर आलती पालती मार के बैठे हुए है ना, जब नीचे टिका के बैठते हैं ना, कूले टिका के बैठते हैं उस तरह से, ठीक है ना, आलती पालती मार के बैठे हुए थे फर्श पर। वर 2 अरब्स, 2 अरब बैठे हुए थे, यानी अरब, अरब का मतलब जो अरब देश के रहने वाले, जो वहाँ के निवासी होते हैं, वो बैठे हुए थे, इराकी बैठे हुए थे ऐसे समझ लो आप। बिसाइड देम, और उनके पास में, ले ए सैक, एक बोरा रखा हुआ था, बोरा समझते हो ना, कट्टा बोरा जो होता है, बोरा बोरी है ना, थैला, बड़ा थैला। दैट स्क्वर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्क्वर्म का मतलब होता है ट्विस्टेड अबाउट, जिसमें कि मरोड़े उठ रहे थे बीच बीच में। मरोड़े उठने का मतलब क्या होता है, उथल पुथल हो रही थी उस बोरे के अंदर, उस थैले के अंदर। दे हैंडेड मी ए नोट फॉर माई, फ्रॉम माई फ्रेंड, उन्होंने मेरे दोस्त का मुझे चिट्ठी थमा दी, जो मेरे दोस्त का एक नोट था, एक चिट्ठी थी, वो मुझे थमाई। हेयर इज योर ऑर्डर, ये तुम्हारा ऑर्डर रहा है ना। तो अर्थात क्या था, उस थैले के अंदर कौन था, ऑर्डर था। विद द ओपनिंग ऑफ द सैक, अब लेखक बता रहे थे कि जैसे ही मैंने वो बोरा खोला, थैला खोला, बिगिन ए फेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक ऐसा फेज शुरू हो गया, एक ऐसा मेरे जीवन का एक ऐसा फेज, फेज का मतलब समझ रहे हो आप, एक जीवन की मेरे की ऐसी पारी शुरू हो गई, दैट हैज नॉट येट एंडेड, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, एंड मे, और शायद, फॉर ऑल आई नो, जैसा कि सब जानते हैं, नॉट एंड बिफोर आई डू, ये मेरे मरने से पहले खत्म नहीं होगी, ऑटर के प्रति प्रेम। इट इज, यह है, इन इफेक्ट, प्रभावी रूप से, प्रभावी रूप से, या यूं कहा जाए तो प्रभावी रूप से एक बात इस तरह से है कि ए थ्रेलडम है ये, ए थ्रेलडम टू ऑटर्स, ऑटर्स के प्रति एक तरह से वसीभूत हो गया हूं मैं, है ना, यानी ऑटर्स ने मेरे ऊपर क्या कर दिया, जादू कर दिया, मेरे ऊपर नशा छा गया है ऑटर्स को रखने का। एन ऑटर फिक्सेशन है ना, मैं एक तरह से ऑटर्स के द्वारा क्या क्या कर दिया गया हूँ, फिक्स कर दिया गया हूँ, है ना। फिक्सेशन का मतलब क्या है, ए वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग, उनके साथ मेरी बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो गया है, फिक्सेशन हो गया ऑटर्स के साथ। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट अदर पीपुल हु हैव एवर ओन्ड वन, है ना। अब देखो, मैंने बताया था आपको कि बेटा जो पेट पालते हैं जो लोग, उन्हें ही पता होता है कि पेट की उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है ना। तो लेखक भी यही कह रहे हैं कि इसका एक तरह से मेरे ऊपर जादू चल गया था ऑटर का, उस तरह उससे मेरा भावनात्मक रूप से बहुत जबरदस्त अटैचमेंट हो गया था। एंड आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट अदर पीपल, और मैंने बहुत जिन जिन लोगों ने ऑर्डर रखे हैं, हु हैव एवर ओन्ड वन, जिन्होंने भी कभी ओन किया है किसी एक ऑर्डर को, एक भी ऑर्डर के नौने जिन्होंने कभी रखा है, तो उन सब की मेरे जैसी ही भावनाएं हैं, यानी उनमें भी उसके प्रति उतना ही अटैचमेंट हो जाता है। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम द सैक ऑन द स्पेसियस टाइल फ्लोर ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम रिसेम्बल्ड मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल मीडिएवली कंसीव्ड ड्रैगन, है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि वो जो प्राणी, क्रिएचर यानी प्राणी, जो बाहर निकला उस बोरे में से, उस थैले में से, उस बेडरूम की, कॉन्सुलेट जो ऑफिस था, जो दूतावास था, उसके जो बेडरूम की स्पेसियस टाइल्ड फ्लोर, यानी काफ़ी बड़ा बेडरूम था वो, स्पेसियस था, लंबा चौड़ा था, और टाइलें लगी हुई थी उस पर, है ना, टाइल लगी हुई फर्श पर, जो वो प्राणी निकला उस बैग में से, उस थैले में से, वो रिसेम्बल्ड, वो ऐसा लग रहा था मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल, एक छोटा मीडियबली कंसीव्ड, है ना, जैसे कि कोई मध्य युग का हो, ड्रैगन हो, है ना, जैसे आपने उनका देखा होगा मध्य युग, यानी जैसे अभी तो क्या है, आधुनिक युग चल रहा है, और इससे पहले मध्य युग था, और उससे पहले प्राचीन युग था। तो मध्य युग में क्या हुआ था, पहले बड़े 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 ड्रैगन हुआ करते, जैसे उनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये होते हैं ना, क्या नाम है, एक मूवी आई थी ना जुरासिक पार्क, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, डायनासोर होते हैं, यस, तो ड्रैगन जैसे, है ना। तो वो एक तरह से मध्य युग का छोटा एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था, रिसेम्बल हो रहा था, उसके जैसा हूबहू प्रतीत हो रहा था। फ्रॉम द हेड टू द टिप, सिर से लेके टू द टिप ऑफ द टेल, है ना, उसकी पूंछ के किनारे तक, लेखक कह रहे हैं कि उसके सिर से लेके टिप ऑफ द टेल, है ना, उसकी जो पूंछ थी उसके किनारे तक,
वाज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, है ना। अब आपने कभी देखा हो बच्चों, तो जैसे सुअर वगैरह होते हैं ना, तो सुअर कभी कीचड़ में वो कीचड़ में लौटते हैं, और कीचड़ से जब बाहर निकल आते हैं वो, तो आपने कभी नोट किया हो, तो जब उनकी जो कीचड़ सूख जाता है तो उनके बाल जो है वो नुकीले से नजर आते हैं, फिर वो है ना ऐसे लगता है ना कोई वो क्या नाम है वो कांटे हैं क्या वो, तो वैसे ही वो ऑटर जो था वो क्या रहते हैं, ये तो उसमें पानी में रहते हैं, है ना, जो नदी के और उनके किनारे इस जगह की वैसी दलदली एरिया में रहते हैं ये, तो वो कीचड़ में लौटता होगा वहाँ पे, तो उसके भी क्या निकले आए थे, फिर से कांटे से निकल आए थे, है ना, मड आर्मर, है ना, मड यानी कीचड़ का, आर्मर का यानी कवच था एक तरह से वो, तो उसके सिर से लेके और उसकी पूंछ का जो अंतिम हिस्सा था वहां तक वो ढका हुआ था, कोटेड था, एक जैसे सिमेट्रिकल यानी एक जैसे, पॉइंटेड यानी नुकीले स्केल्स ऑफ मड आर्मर, है ना, कीचड़ के जैसे सुई जो होती है उस तरह से नुकीले, बिटवीन हुज, जिनके बीच में, बिटवीन हुज टिप्स, और उनकी वो जो उन नुकीले जो बाल थे उसके उनकी टिप्स के बीच में, वॉज विजिबल ए सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक, है ना, दिखाई दे रहा था बीच में एक सॉफ्ट यानी मुलायम मुलायम वेलवेट, वेलवेट होता है ना ऐसे वो मोटा एक वो होता है कपड़ा जो होता है वेलवेट का, है ना, उसकी जैसे फर, कोमल मुलायम फर नजर आ रही थी, है ना, और वो किसके जैसी प्रतीत हो रही थी, चॉकलेट ब्राउन मोल के जैसी, है ना, तो ये मोल भी क्या है, एक जीव होता है, एक जानवर होता है छोटा सा, है ना, जिसकी जो त्वचा के ऊपर जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, चॉकलेट ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह का वो प्रतीत हो रहा था। ही सुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया, पॉटर ने अपने आप को क्या किया, हिलाया उसने, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड, और मैंने आधा कल्पना करी थी, मैंने आधी मेरे दिमाग में ऐसा आया था, पूरा तो नहीं आया मेरे दिमाग में, कि एक क्लाउड ऑफ डस्ट के, अब ये अपना इसने शरीर फड़फड़ाया है तो अब धूल का गुबार उठेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनोदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, है ना, लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जब उस ऑटर ने अपने आप को हिलाया, फड़फड़ाया उसने अपने बॉडी को, है ना, जैसे देखा होगा जानवर फड़फड़ाते हैं अपनी बॉडी को, है ना, तो मुझे ऐसा आधा तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि अब ये धूल का गुबार उठेगा, लेकिन वास्तव में हुआ ऐसा कि पूरा एक महीना लग गया लेखक को, अनोदर मंथ टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, है ना, उसकी जो अंतिम कीचड़ था, है ना, जो यानी पूरे के पूरे कीचड़ को लास्ट तक हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए लेखक को कितना एक महीना मैनेज करना पड़ा उसको, है ना, उस मड को हटाने के लिए, और टू एंड सी द ऑटर एज इट वर, और उस ऑटर को जैसा कि मूल रूप में होता है उतना देखने में, तो कहने का मतलब ये है कि लेखक को उस ऑटर के ऊपर उस कीचड़ को हटाने में एक महीना लग गया, तब जाके उसका ओरिजिनल रूप नजर आया, है ना, इन ट्रू कलर्स, उसके जो ट्रू कलर्स थे वो नजर आए। मिस विल एज आई कॉल्ड द ऑटर, है ना, है ना, तो ऑटर को मैं क्या बोलता था, मिसबिल बोलता था, शॉर्ट में उसको मिस बोलते थे ये, है ना, तो लेखक ऑटर को मिसबिल बोलते थे, इनफैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, है ना, और लेखक कह रहे हैं कि ये वास्तव में ये जो प्रजाति है इनकी ऑटर्स की, ये वैज्ञानिकों को पहले तो पता ही नहीं थी ये, एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चंड, और एट लेंथ का मतलब बाद में, क्रिश्चंड यानी नाम दे दिया गया इनको, है ना, जब इनको इनकी खोज हुई तो इनको जूलॉजिस्ट्स के द्वारा, जो जीव विज्ञानी होते हैं, उन्होंने इनको क्या नाम दे दिया, इनको ये वाला नाम रख दिया इनका, ल्यूट्रोगेल परस्पीसिलाटा, परस्पीसिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर, है ना, और इनको ये नाम दे दिया, और लेखक का सरनाम, सरनेम भी क्या है ना, गेविन मैक्सवेल ही है। For the first 24 hours, Miswell was neither hostile nor friendly. अब लेखक कहाँ है, उसको अपने बेडरूम में खोल दिया उसने, उस बोरे में से बाहर निकल गया वो, ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं कि पहले 24 घंटे तो वो जो मिज था, मिसविल था, ऑटर जो था, ना तो वो अनफ्रेंडली था और ना ही फ्रेंडली था, है ना, ना तो वो एक तरह से गुस्सा था, है ना, हॉस्टाइल का मतलब क्या है, जैसे उग्र, है ना, कोई भाई उग्र स्वभाव दिखा रहा हो, ना ही वो दोस्ताना व्यवहार कर रहा था।
ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट. अलूफ एंड इंडिफरेंट का मतलब जैसे दूर दूर रहना, ठीक है ना, कीपिंग डिस्टेंस, है ना, दूर रहना, जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना. चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और उसने मेरे बिस्तर से जितना दूर हो सकता था फर्श पर उतना दूर उसने सोने को चूज किया. तो फर्स्ट 24 आवर्स तो वो लेखक से क्या रहा, दूर ही रहा वो, और लेखक के बेड से जितना दूर हो सकता था उतनी दूर सोया वो. द सेकेंड नाइट, लेकिन अगली रात्रि मिस विल केम ऑन माई बेड, लेखक कह रहे हैं मिस विल मेरे बिस्तर पर आ गया. इन द स्मॉल आवर्स, है ना, सुबह के टाइम, स्मॉल आवर्स का मतलब क्या है, सुबह के टाइम, है ना, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए. एंड रिमेंड असलीप, और सोता रहा. इन द क्रुक ऑफ माई नीज, मेरे घुटनों के नीचे खाली जगह होती है, जैसे पैरों को ऊपर करके सोते हैं कई बार अपन, है ना, मुड़े हुए घुटनों के साथ, तो बीच में जगह आ जाती है ना, तो उनके बीच में जगह पे सोता सोया वो. अनटिल, जब तक कि द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, जब तक कि जो नौकर था वो क्या लेके नहीं आया, चाय लेके नहीं आया, तब तक वो सोता रहा. एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन में तो ही बिगेन टू लूज हिज अपैथी, उसने अपनी अपैथी को खोना शुरू कर दिया. अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, अर्थात दिन में तो उसने अपनी उदासीनता को त्यागना शुरू कर दिया, यानी एक्टिव हो गया वो दिन में. एंड टेक ए कीन, मच टू कीन, और वो थोड़ा सा ईगर हो गया, इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, है ना, अपने आसपास की चीजों में वो इंटरेस्ट लेने लग गया, ईगर हो गया, उनके उत्सुक हो गया, उनको मजा जानने में, उनके साथ जान पहचान करने में, आसपास के चीजों के साथ. आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक पट्टा बना लिया, उसकी सर, उसके जैसे होता है ना, उसके डॉग होता है, उसके गले में पट्टा बांध के ले जाते हैं उसको घुमा फिराने के लिए, डोरी या रस्सी कुछ भी समझ लो आप, बॉडी बेल्ट. तो लेखक ने एक बॉडी बेल्ट तैयार करी उसके लिए. एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम, और लेखक उसे बाथरूम तक ले गए. वेयर फॉर हाफ एन आवर, जहाँ पर आधा घंटे तक ही वेंट वाइल्ड, वो लगभग पागल ही हो गया पानी को देख के. विद जॉय इन वाटर, खुशी के मारे वो जो ऑटर था वो पानी को देख के पागल ही हो गया. प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें कूद रहा है, प्लंज का मतलब होता है कूदना, एंड रोलिंग का मतलब होता है उसमें लोट मारना. शूटिंग अप एंड डाउन, उछल रहा है ऊपर नीचे. द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, है ना, पूरे उस जो बाथटब था उसमें पूरी लंबाई में कभी इधर कभी उधर उछल रहा है, लोट मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है. एंड मेकिंग इनफ स्लोस एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो, है ना, जैसे एक हिप्पोपोटामस होता है ना, एक जानवर होता है जो पानी में, दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो मार्सेज में रहता है, वो जो पानी वाला जो एरिया होता है ना उनमें रहता है वो, तो उसी की तरह जैसे वो जो हिप्पोपोटामस होता है वो पानी के अंदर लोट मारता है, तो ऐसे ही वो स्लो एंड स्प्लैश, है ना, छपाक छपाक छई इस तरह से उसमें कर रहा था वो. दिस आई वॉज टू लर्न इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स, बाद में मुझे पता चला, लेखक कह रहे हैं दिस आई वॉज टू लर्न, मुझे बाद में पता चला कि इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स, की ये तो ऑटर्स की खासियत है, ये तो ऑटर्स का लक्षण है, उनकी ये विशेषता है कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक, लेखक कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो कि पानी की एक बूंद भी एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, वो फैला देनी चाहिए, है ना, एक्सटेंड आगे बढ़ा देनी चाहिए या फैला देनी चाहिए स्थान पर, है ना, पानी की एक भी बूंद अगर कहीं दिख जाए तो उसको फैला देना चाहिए. लोग बताते हैं कि ये उसकी विशेषता है, ऑटर्स की क्या है, ये विशेषता है कि पानी की कोई भी छोटी सी भी बूंद हो तो उसको क्या कर देना चाहिए, फैला देना चाहिए. ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, और अगर कोई बाउल है, कटोरा है, तो उसको उल्टा देना चाहिए, उलट देना चाहिए, है ना, तो जैसे ही ऑटर को पानी दिखाई देता है तो बस उसको उसका जी मचलने लग जाता है कि कब इस पानी को फैलाऊं मैं, एक बूंद भी उसको रुकी हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए. और अगर उसको कोई बाउल नज़र आ जाए तो बस उसको उल्टा कर देगा, है ना, बाउल में पानी भरा हुआ है तो उसको पलट पलट देगा वो. और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, और अगर माना वो बाउल जो है वो कटोरा या बाल्टी या टब बहुत बड़ा है जिसको कि वो पलट नहीं सकता, ओवरटर्न उसको वो नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, बी सेट इन,
तो उसमें अंदर बैठ जाएगा वो ऑटर, एंड स्प्लोस्ड इन, और उसमें छपाक्षई करेगा, है ना, छप छप करेगा, उसमें उछल कूद मचाएगा, अंटिल इट ओवरफ्लो, जब तक कि उसका पानी बाहर ओवरफ्लो होने न लग जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, है ना, लेखक कह रहे हैं कि ऑटर्स के लिए तो जो पानी है वो चलता हुआ रहना चाहिए, रुका हुआ पानी उनको अच्छा नहीं लगता, है ना। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, और पानी से कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहना चाहिए, ऑटर्स ऐसा सोचते हैं। वैन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और जब पानी स्थिर होता है, स्टैटिक का मतलब स्थिर, और जब पानी स्थिर होता है तो उनके लिए क्या है, ये एक तरह से वेस्ट है, है ना, कोई मतलब का नहीं है, एंड प्रोवोकिंग, और उनको क्या कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, प्रोवोक का मतलब उनको कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन, उनको गुस्सा दिला रहा है ना। पानी अगर स्थिर है, रुका हुआ है, तो बस उनको गुस्सा आने लग जाता है ऑटर्स को, है ना, उनको प्रोवोक करता है, उनको चुनौती देता है ना, कि आओ और मेरे साथ खेलो। तो कहने का मतलब ये है कि ऑटर्स को पानी देख के उनको रहा नहीं जाता है। टू डेज लेटर, दो दिन बाद, अब लेखक कह रहे हैं दो दिन बाद, टू डेज लेटर, मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, मिजबिल मेरे बेडरूम से एस्केप कर गया, है ना, बाहर निकल गया, एज आई एंटर्ड इट, जैसे ही मैंने बेडरूम में प्रवेश किया तो दरवाजा खुला तो वो बाहर निकल आया, एंड आई टर्न टू सी, और जब मैं उसको वापस देखने के लिए मुड़ा, हिज टेल डिसअपीयरिंग, तो उसकी पूंछ गायब हो रही थी, राउंड द बैंड ऑफ द कॉरिडोर, है ना, उस जो गलियारा था उसकी जो बैंड था, उसमें गलियारे में टर्न था, उस जगह पे उसकी पूंछ क्या हो रही थी, गायब हो रही थी, दैट लेड टू द बाथरूम, जो कि एक कहने का मतलब ये कि उस टर्न पर, उस मोड़ पर गली, जो गलियारा था, जो गली थी या कॉरिडोर जो था, ठीक है ना, उसके कॉर्नर पे क्या था, बाथरूम था, तो एक तरह से बाथरूम में अंदर वो घुस गया, तो बस लेखक को जैसे ही वो मुड़ा लेखक पीछे की तरफ, है ना, तो क्योंकि वो दौड़ के भाग गया, तो उसको बस उसकी पूंछ अंदर बाथरूम में घुसती, गायब होती हुई दिखी। बाय द टाइम आई गॉट देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा बाथरूम में, ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, तो वो बाथटब के अंतिम वाले हिस्से पर चढ़ के और ऊपर चढ़ गया था नल के ऊपर, एंड फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स, टैप का मतलब होता है नल, और क्रोमियम यानी क्रोमियम धातु के, तो उन क्रोमियम धातु के नलों को वो फंबल कर रहा था अपने पॉज, पॉज का मतलब अपने पंजों से, है ना, फंबलिंग का मतलब क्या होता है, ट्राइंग टू डू समथिंग इन ए क्लमजी मैनर, है ना, उनको क्लमजी मैनर का मतलब बड़े बेढंगे तरीके से, कभी इधर घुमा रहा है, कभी उधर घुमा रहा है, बस उसको उसके जो है ना, उसको छेड़ रहा है जबरदस्त जबरदस्त तरीके से, किनको, क्रोमियम के उन नलों को। तो वो जो ऑटर था वो फट से कहाँ पहुँच गया, बाथरूम में पहुँच गया, बाथरूम में टब जो था, टब के बाथ टब के ऊपर चढ़ा, और वहाँ से फट से किसके ऊपर चढ़ गया, वो नल पे ऊपर चढ़ गया, और नलों को बड़े बेढंगे तरीके से, कभी इधर की तरफ मरोड़ रहा है, कभी उधर की तरफ मरोड़ रहा है, ऐसे वो उनको कर रहा है। आई वॉज्ड अमेज्ड, लेखक कह रहे हैं मैंने उसको बड़े अमेज होके देखा, बड़े आश्चर्य तरीके से देखा मैंने, आश्चर्यचकित होकर देखा मैंने, कि इन लेस देन ए मिनट, कि एक मिनट से भी कम समय में, ही हैड टर्न्ड द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, कि एक मिनट से भी कम समय में उसने टैप को, उस नल को टर्न्ड ऑन, उसको चालू कर लिया, और इतना चालू कर लिया उसको कि उसमें से पानी की धार निकलने लग गई, प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, उसमें से पानी की क्या निकलने लग गई, धार निकलने लग गई, एंड आफ्टर ए मोमेंट, और कुछ क्षण बाद तो, है ना, कुछ सेकंड बाद, एक दो सेकंड बाद तो, अचीव्ड द फुल फ्लो, और उसने क्या प्राप्त कर लिया, फुल फ्लो प्राप्त कर लिया, यानी उसने पूरा का पूरा नल खोल दिया, नल चालू, उसने फुल पे नल चालू कर लिया। He had been lucky to turn the tap the right way, है ना, तो लेखक कह रहे हैं कि इस समय वो लकी था कि उसने उस नल को सही डायरेक्शन में घुमाया था। On later occasions, लेखक कह रहे हैं कि बाद में कई बार तो he would sometimes, वो कभी कभी screw it up still tighter, कि वो उसको और ज़्यादा क्या कर देता था, गलत दिशा में मोड़ देता था, और नल क्या हो जाता था, और ज़्यादा टाइट हो जाता था,
और फिर जब उससे खुलता नहीं था क्योंकि गलत दिशा में मोड़ दिया उसने उसको, है ना, बंद कर दिया उसको, टाइट कर दिया, तो फिर वो चिटरिंग करता था, है ना। चिटरिंग का मतलब क्या हो गया, एक तरह से किचिर किचिर करना, है ना, ठीक है ना। हाँ, तो फिर वो जैसे एक तरह से जब कोई जानवर होता है, जब वो किसी काम में असफल हो जाता है, तो किच 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 करना, इस तरह से चिटरिंग की आवाज़ करना विद इरिटेशन, है ना, गुस्सा होके, इरिटेट होके, है ना, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराश होकर, एट दी टेप्स फेलियर टू कोऑपरेट, है ना, क्योंकि उस नल ने उसको कोऑपरेट नहीं किया था, है ना, नल उसे कोऑपरेट करने में, अर्थात नल पानी नहीं दे रहा उसको, टाइट कर दिया ना उसने, उल्टी डायरेक्शन में बंद कर लिया था, तो जब ऐसा हो जाता था उससे कई बार कि वो गलत दिशा में उसको और उल्टा टाइट कर देता था, तो फिर वो इरिटेशन के साथ, खीज के साथ और निराशा के साथ, है ना, उस टेप को क्या करता था, उस पर मतलब चिटर चिटर करता था एक तरह से, उसके ऊपर दांतों से या कुछ इस तरह से वो उसको अपनी गुस्सा जाहिर करता था। वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड एंड कम टू मी वेन आई कॉल्ड हिज नेम। अब लेखक कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही वो मेरे साथ घूमने जाने लगा, है ना, मुझे फॉलो करता था विदाउट ए लीड, लीड का मतलब आगे नहीं जाता था वो, बस मेरे से कुछ दूरी पे रहता था पीछे मेरे से, है ना, एंड कम टू मी वेन आई कॉल्ड हिज नेम, और मैं जब भी उसको उसका नाम लेके बुलाता था, मिस बोलता था मैं उसको, तो वो मेरे पास आ जाता था, अर्थात वो अब जानने लग गया था कि भाई मेरा नाम मिज है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वह अपना अधिकांश समय खेलने में व्यतीत करता था। ही स्पेंट आवर्स सफलिंग ए रबर बॉल राउंड द रूम लाइक ए फोर फुटेड सॉसर प्लेयर यूजिंग ऑल फोर फीट टू ड्रिबल। सॉकर बोलते हैं शायद बेटा इसको, है ना, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं ही स्पेंट आवर्स सफलिंग, सफलिंग का मतलब होता है ना आगे पीछे घुमाना किसी चीज को, ठीक है ना, आगे पीछे किसी चीज को घुमाना, तो किसको, वो रबर की गेंद को, रबर की गेंद को आगे पीछे करने में, राउंड द रूम, उस कमरे में चारों तरफ, है ना, जैसे कि कोई चौपाया जानवर, है ना। अब वैसे फुटबॉल कौन खेलते हैं, सॉकर कौन खेलते हैं, सॉकर तो जो है ना वो आदमी खेलता, तो आदमी के तो दो ही पैर होते हैं, लेकिन वो तो जानवर था तो उसके चार पैर थे, तो ऐसा लगता था कि चार पैर वाला सॉकर खिलाड़ी, है ना, क्या कर रहा हो, खेल रहा हो, उस रबर की बॉल को क्या कर रहा हो, सफल कर रहा हो। यूजिंग ऑल फोर फीट टू ड्रिबल द बॉल, है ना, और वो अपने चारों पैरों से, है ना, उस बॉल को ड्रिबल करके ले जाता था, है ना। ड्रिबल का मतलब होता है टप्पा मार के, जैसे बॉल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं ना, टप्पा मार के, कई बार देखा होगा आपने, जैसे वो बास्केटबॉल हो या जो है ना फुटबॉल में भी ले जाते हैं कई बार उसको, हॉकी में हॉकी की स्टिक से ले जाते हैं ना, टप्पा मार मार के उसको ले जाना, तो इस तरह से वो बॉल को टप्पा मार के ले जाता था इधर उधर से। और एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वो उसे फेंक भी देता था बॉल को, विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपनी गर्दन से, है ना, ऐसा झटका मारता था उसमें, ऐसी टक्कर मारता था, किक मारता था, कि वो बॉल को फेंक भी देता था, टू ए सरप्राइजिंग हाइट, इतनी ऊंचाई तक कि हमें क्या हो जाए, आश्चर्य हो जाए कि ये जो ऑटर है ये इतनी ऊंचाई तक बॉल को फेंक भी सकता है, है ना, और एंड डिस्टेंस, यानी इतनी ऊंचाई तक और इतनी दूरी तक, बहुत ऊंचाई तक और बहुत दूरी तक उसको वो अपनी गर्दन के किक से फेंक भी देता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर, अब लेखक कह रहे हैं लेकिन जो उसका वास्तविक खेल था, जो उसका शानदार वाला खेल था, वो तो तब होता था वेन ही लाइज ऑन हिज बैक, जब वो किस पे लेट जाता था, अपने पीठ के बल लेट जाता था, है ना, जब वो अपनी पीठ के बल लेट जाता था, एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, है ना,
और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, है ना, जैसे कि गेंद हो सकती है ना, और लेखक ने आगे बताया कंचियां हो सकती हैं, उनको जगल करता था। जगल का मतलब होता है जैसे कई बार देखो उछालना, जैसे कोई लोग गेंद उछालते हैं, एक दो दो तीन तीन गेंद हवा में उछालते हैं, और एक को उछाला, दूसरी को पकड़ा, दूसरी को उछाला, तीसरी को पकड़ा, इस तरह से हवा में गेंदों को उछालते हैं या कंचे उछालते हैं, उस तरह का, तो उसको जगल बोलते हैं, ठीक है ना। उस चीज को क्या बोलते हैं, जगल बोलते हैं। तो ये लेखक कह रहे हैं कि ये उसका वास्तविक खेल था, जब वो पीठ के बल लेट जाता था, यानी उल्टा लेट जाता था वो, है ना, पीठ की पीठ को जमीन पर टिका लेता था, और छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ में, है ना, अपने पंजों से क्या करता था, जगल करता था, है ना, उनको उछालता था हवा में। मार्वल्स वर मिड्स फेवरेट टॉयज, और जो कंचियां होती हैं, बच्चे खेलते हैं ना कंची जो होते हैं, ग्लास की, जो कांच की कंचियां होते हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि जो कांच की कंचियां थीं वो उसकी फेवरेट टॉय थीं, उसकी पसंदीदा टॉय थीं, फॉर दिस पास टाइम, उसके इस गेम के लिए, उस पास टाइम के लिए जो कि उसका बड़ी एक तरह से हॉबी थी उसकी, उस तो वो किनको जगल करता था ना, कंचियों को, कंचियों को पीठ के बल लेट जाता था और कंचियों को ऐसे हवा में उछालता था, वो एक उछाला, दूसरी पकड़ा, दूसरी फेंकी, तीसरी, इस तरह से हवा में वो करता था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑन द फ्लोर। देखो वही बात कह रहे हैं लेखक इसमें, है ना, कि ही वुड लाई ऑन इज बैक, वो अपने पीठ के बल लेट जाता था, है ना, रोलिंग टू और मोर ऑफ देम, और दो या दो से ज्यादा उन कंचियों को उछालता था, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, हिज वाइड फ्लैट बेली, है ना, अपनी जो बेली का मतलब होता है पेट जो था उसका, है ना, अपने चौड़े और उस समतल पेट के ऊपर की तरफ उनको उछालता था, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑन द फ्लोर, और वो एक भी कंची को नीचे गिरने नहीं देता था, है ना। देखो बच्चों, इसमें बस यही है कि जो है ना, ये जो पैट होते हैं, ये लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। ये मैं मानता हूँ कि हमें मनुष्यों से भी प्रेम करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि पैट तो रखते हैं वो, है ना, लेकिन उनको पड़ोसी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपने पैट से ही मतलब होता है ना, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। तो ये मानव है, तो हमें पहले मानवों के लिए सोचना चाहिए, लेकिन बात वही है कि भाई जिसको जो अच्छा लगे वो करने देना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो इसी प्रकार के मेरे मैथ, साइंस, है ना, और इंग्लिश के वीडियो देखने के लिए आप लाइक करें, है ना, कमेंट करना नहीं भूले, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।